तो सीबीआई में घमासान के बीच ताबड़तोड़ तबादले जारी हैं। वहीं इस मामले में कुल 13 अफसरों का ट्रांसफर हो गया है। इसमें एके शर्मा, तरुण गाबा, जसबीर सिंह, अनीस प्रसाद और केआर चौरसिया का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा रामगोपाल, सतीश डागर और एसएस गुरून का भी तबादला किया गया। अस्थाना केस की जांच कर रहे अजय बस्सी का भी तबादला कर दिया गया है। अजय बस्सी, आपको बता दें कि पोर्ट बियर उन्हें भेज दिया गया है। तो लगभग 13 ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले हो चुके हैं और यह सिलसिला आगे जारी रहेगा या थमेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ताबड़तोड़ तरीके से अपडेट आ रही है। ये वो अधिकारी हैं जो हमने आपको बताया, जिनका नाम, जिनके ट्रांसफर, जिनका हो चुका है। अच्छा, नियम के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। दरअसल सीबीआई डायरेक्टर के तबादले का जो नियम है वो किस तरह से है वो आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई निदेशक के लिए 2 साल का कार्यकाल तय होता है और 1997 में विनीत नारायण जजमेंट में ये फैसला लिया गया था, जिसके तहत इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। और आपको बताएं, विशेष परिस्थितियों में ही सीबीआई डायरेक्टर का ट्रांसफर हो सकता है। तबादले के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी बहुत जरूरी होगी, जहां से ये चुनकर आए हैं। ट्रांसफर के लिए सीवीसी, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पर्सनल की मंजूरी भी जरूरी होती है। ये पूरा नियम आपको हम बता रहे हैं। सीबीआई की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी भी होती है और आपको बताया सर्च कमेटी में पीएम, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं।